हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग वर्तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये सब प्रसाद आप सबके लिए है, क्योंकि मैं देखिए पास में होते तो दे सकती थी, लेकिन पास में है नहीं, इसलिए मैं आप सबको ऐसे ही पूछ ले रही हूँ माँ वैष्णो का प्रसाद। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी किसकी बनाने जा रही हूँ ये मैं आगे शेयर करूँगी। तो अभी सब्जी में डाल रही हूँ मसाले, मतलब मसाले वसाले डाल लूँ यार, तब मैं बताऊँ कि सब्जी में मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है, कैसे मैं बनाती हूँ। बॉइल किया हुआ आलू और इसमें डालूंगी कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा। तो मसाले हमारे जो है तैयार हो गए हैं। इसमें पुदीना भी डाल सकते हो, धनिया भी कट करके डाल सकते हो। मेरे पास ना ही पुदीना है और ना ही धनिया है। तो ये बना मैंने डाल दिया है सब्जी, इसमें बॉईल किया हुआ। बस इसको अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। और अभी देखिए थोड़ा सा तो भूजेंगे ही, फिर उसके बाद नमक डाल देंगे इसमें। तो टेस्टी सी जस्ट सब्जी है आलू कद्दू की, जो बच्चे नहीं का पसंद करते हैं। एक बार आप बना के जरूर देखिए, तो आपके बच्चे खाना शुरू कर देंगे। जो सोचते हैं ना कद्दू के नाम से भाग जाते हैं, तो ये भंडारे वाली सब्जी बनेगी, बिल्कुल टेस्टी। अगर इसमें हरी धनिया या कटा हुआ मतलब हरा पुदीना डाल देते हो, थोड़ा सा अमचूर डाल देते हो, उसका टेस्ट या लाजवाब हो जाता है। तो बस सब्जी जो है भुन जाएगी, फटाक से रोटी बना लूँगी। चावल मैंने बना लिया है, 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। और उसके बाद मेरा काम जो है फिनिश हो जाएगा, मैं पोछा लगाने वाला काम कर लूँगी। और आजकल मैं सुबह जल्दी नहा ले रही हूँ, तो उससे मेरा ही फायदा हो रहा है। नहीं तो 11 बज जाता था खाना बनाऊँ फिर नहाते समय। और नहाने के बाद स्वाद के अकॉर्डिंग उसमें नमक डाल दूँ। सब्जी जो है फटाफट रेडी हो गई है। पकने में बॉईल किया हुआ सब्ज़ी है ना, तो पकने में भी टाइम नहीं लगती है, फटाक से बनती है सब्ज़ी। तो कैसा लग रहा है वीडियो वैष्णो धाम का, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया वैष्णो धाम जाके। और कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग नहीं है, धरती पे ही स्वर्ग है। शायद आसमान में जो जाता है वो लौट के आता नहीं है कि बताएगा कि हाँ आसमान में स्वर्ग है। टीवी वगैरह में देखा जाता है, बोलते हैं स्वर्ग है। और इंद्र भगवान स्वर्ग के राजा हैं। देवता हैं ये देखती हूँ, लेकिन भाई हकीकत में जो देख रही हूँ वो धरती पे ही दिख रहा है। जैसे कश्मीर को ले लीजिए, वहाँ भी मैं गई नहीं है, कहते हैं वहाँ पर भी स्वर्ग है। और माँ वैष्णो धाम पे तो स्वर्ग था ही, लेकिन नवरात्र में जाके मज़ा आ गया यार एकदम से। अब हमको आपको क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगा कि पूछिए ही नहीं। तो देखिए आपसे बात करते करते सब्जी जो है भून चुकी है, और अभी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी खटक पटक की। तो ये होता है किचन का खटक पटक काम ना, आप तो जानते ही हैं किचन में अगर आप हो तो खटक पटक होगा। म्यूट कर देती हूँ तो मैं बाद में मुझे आवाज़ कलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए म्यूट नहीं किया है। ठीक है, तो अब आ गई है बारिश में पानी डालने की। तो चलिए देख लेते हैं सब्जी में पानी डाल के, और सब्जी बन जाती है। आज मैं बनाऊंगी इससे, मतलब दाल नहीं बनाऊंगी, ओनली सब्जी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी डाल दूंगी तो जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये बहुत मिनटों में पकेगी, जैसे ही मतलब सब तो भून भी गया है, बॉयल भी हुआ है, बस जो पानी डाले हैं वही ग्रेवी पक जाए इसका। बस बंद कर दूंगी। तो ये देखिए लाजवाब सब्जी जो है तैयार हो गई। तो वैसे मैं इसको ढक के भी पका सकती हूँ, बट मैं सिर्फ खुला पकाने वाली हूँ। एक तरफ मैं रख देती हूँ सब्जी को पकने की तरफ, दूसरी तरफ मैं बना लूँ लोई, फटाफट से रोटी भी बन जाए। सब्जी है बिल्कुल तैयार हो जा रही है, और देखिए खुद खुद करके पकना शुरू कर दी। अभी मैं जस्ट पानी डाली हूँ और ये सब्जी जो है पकना शुरू कर दी। बहुत ही जल्दी सब्जी पकेगी, अगर आप इसे छोड़ के हटते हो तो ये नीचे पकड़ जरूर लेगी। इसलिए जब भी आप इस सब्जी को बनाते हो तो हटो मत। इस कटोरी में मैंने रखा था थोड़ा सब बेटे जी के लिए ऑयल हाथ पैर में लगाने के लिए, तो मैं भी मस्टर्ड ऑयल लगा लेती हूँ, और बेटे जी भी मस्टर्ड ऑयल ही लगाते हैं वो हाथ पैर में, वो कोई भी दूसरा चीज़ नहीं लगाते हैं।
तो मैंने उसको रखा था और वो थोड़ा सा गिर गया था, तो मैं इसको हटा के यहाँ से हटाऊंगी, क्योंकि किचन में थोड़ा सा भी बर्तन इधर उधर हुआ नहीं कि ये महाराज जी बहुत जल्दी से इधर से उधर हो जाते हैं। तो इसको मैं रख के आती हूँ। तो मैं नहा धो के नहाई धोई से लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ ना, बस बाल कॉम नहीं करी हूँ, तो बाल कैसे कॉम कर सकती हूँ यार, खाना बना रही हंस रही हूँ। तो देखिए सब्जी भी पक चुकी है और इधर मेरा मनी प्लांट जो है एकदम बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से तो है ही, इसको मैं सोच रही हूँ नहलाने को। चलिए मैं तो सब्जी जो है पक चुकी है और मैं लोई बना लूँ। अभी एक मूवी थी ना, कौन सी थी, अजय देवगन की थी और अरे कौन सी थी, नाम बड़ा आसान है लेकिन याद नहीं आ रहा। अभी तुम्हारा ट्रांसफर कराता हूँ मैं, अभी की अभी बड़ा अच्छा डायलॉग लग रहा था उस टाइम। अरे कौन सा था, पुलिस दबंग, नहीं दबंग तो सलमान खान का था, ये सिया बेटा, अजय देवगन की कौन सी मूवी थी, तेरे सीने पे मैं जो अभी कह रहा था डायलॉग खन्ना है, याद है कौन सा था, सिंघम, मुझे नहीं याद आता, बच्चों को याद रहता है सिंघम, सच में कमाल का डायलॉग था। तो ज्योति बर्तन धो के चली गई है और हमें बनाना है रोटी। ए बेटा रोटी खाना है, जल्दी जल्दी से आ जाओ, गन्मा गरम रोटी, हाँ नहीं खाना क्यों, अभी के अभी तुमसा नहीं प्यारा कोई मसूरा, कोई मासूम नहीं है, तुम चीज हो मालूम नहीं है, तुम साया प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज क्या हो, यही मुझे नहीं आ रहा है, कुछ बोल रही हूँ, तुम चीज क्या हो तुम्हें खुद तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसे कुछ करके हैं। एक एक शब्द से ये जो गाना है बिगड़ रहा है, दिया है और हाथ से बहादुरी कर रही हूँ पलटने की, तो तवा भी उतना हीट नहीं हुआ है, तो चलिए इस साइड में सब्जी पे बन गई है, तो चलिए रोटी बना लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ बाद में। तो देखिए चावल वाले भी पक चुके हैं, बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे मुझे भी प्रसाद खिलाइएगा, तो खिला तो नहीं सकती हूँ बट दिखा तो सकती हूँ, तो माँ वैष्णो का प्रसाद है, आप सब लोग भी खा लीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, बाय।